दोस्तों आज मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी और मिस्टेक बताने वाला हूँ कि मैं ट्रेडिंग में क्या क्या मिस्टेक किया हूँ, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है। वो गलती आप ना करें, ये वीडियो देखने के बाद वो गलती आप नहीं करेंगे तो लॉस होने से बच सकते हैं। दोस्तों ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है ट्रेडिंग जर्नी पे, इसमें मैं बचपन से ट्रेडर बनने तक में मैं क्या क्या किया हूँ, क्या क्या स्ट्रगल किया हूँ वो मैं बताया हूँ। लेकिन मैं एक खुला बताया नहीं था कि मैं ट्रेडिंग में क्या क्या मिस्टेक किया हूँ, जिससे जो मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो मैं ट्रेडिंग जर्नी का मैं ऑलरेडी एक वीडियो है, पहले वो देख लीजिएगा, इसके बाद ये देखिएगा। दोस्तों मैं 2021 से जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया अप्रैल में, तो मुझे पहले इक्विटी में मैं ट्रेड करता था। मुझे ऐसे कुछ नहीं पता था शेयर मार्केट के बारे में, जीरो कुछ नॉलेज नहीं था शेयर मार्केट में। स्टार्टिंग में कुछ वीडियो भी देखा था तो मुझे समझ से बाहर हो गया था, पहले 2020 के आसपास में तो मुझे समझ से बाहर जा रहा था, तो मैं छोड़ दिया था। लेकिन मैं फिर अगेन 2021 में जब कोरोना टाइम में आया था, तो अप्रैल में मैं फिर स्टार्ट किया ट्रेडिंग के बारे में, रिसर्च किया कि ट्रेडिंग क्या होता है। ऐसे यूट्यूब पे देखा लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वीडियो देख रहा था क्या है स्टॉक मार्केट, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मैं देखा इसमें लोग सब अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो फिर मैं सीखने का कोशिश किया। तो एक यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट था शेयर मार्केट फुल कोर्स, में यूट्यूब पे सर्च किया था, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल था। वो फिलहाल वो 2 साल से 3 साल से वीडियो बना भी नहीं रहा, लेकिन शेयर मार्केट के बारे में अच्छा से वो बिगिनर से लेके एडवांस तक अच्छे से बताया है, और ऑलमोस्ट 58 वीडियो था। मैं पूरा देखा, पूरा स्टार्टिंग में समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैं पूरा देखा तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझने में आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, YouTube में मैं सर्च किया था कि शेयर मार्केट फुल कोर्स या स्टॉक मार्केट फुल कोर्स कुछ सर्च किया था, लगभग 58 वीडियो था इसका प्लेलिस्ट में, मैं पूरा देख डाला तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया। तो मैं डीमैट अकाउंट खोला एंजल वन में, इसके बाद लास्ट में ऑफ स्टॉक में भी खोला। तो स्टार्टिंग में मैं ऐसे कॉल बाई करते थे, कॉल नहीं बाई, इक्विटी में मैं ट्रेड करता था। अडानी का टाटा पोर्ट में फर्स्ट बार में ट्रेड किया था, और इंटर ट्रेडिंग, इसके बाद में जोमेटो का IPO आया था तो उसमें मैं ट्रेड किया था, तो मुझे 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ था शायद। तो मैं बहुत खुश हो गया था कि यार क्या यार, मैं 2 या 3 मिनट में 80 रुपये में कमा लिया। तो मैं कुछ दिन इन्वेस्ट किया, फिर मैं रिसर्च करने लगा। और भी तो मेरा एक दोस्त था, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा कमाता था। तो उससे पहले मैं इंटर ट्रेडिंग के बारे में जाना था, तो मैं इंटर ट्रेडिंग भी स्टॉक में करने लगा था। तो किसी दिन प्रॉफिट 200-300 रुपये में कमाता था रेगुलर, कभी लॉस भी होता था प्रॉफिट होता था, लेकिन 200-300 ऐसा नॉर्मली आ जाता था इंटर ट्रेडिंग करता था स्टॉक में। तो मेरा दोस्त बोला कि यार इंटर ट्रेडिंग में क्या यार 200-300 रुपये कमाते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, इसमें आपका 10,000-1,00,000 भी हो सकता है, 1,00,000। ये लॉस के बारे में नहीं बताया, बोला अच्छा पैसा होता है। तो मैंने देखा यार ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, देखना चाहिए फिर। और मुझे अपना दिखाया भी कि मुझे आज 60,000 का प्रॉफिट किया, आज 80,000 का प्रॉफिट किया, रियल में करता भी था, अभी भी कर रहा है। तो मैं तो यार हैरान हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं ट्रांसपोर्ट में जॉब करता था, तो मेरा वहाँ पर सैलरी ऑलमोस्ट 12,000 रुपये मंथली था। स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म ज्वाइन किया था, सुपरवाइजर बेस पे था, लेकिन एक ही साल में मैं उस कंपनी में मैनेजर भी बन गया। मेहनत किया उसमें भी, काम में भी मेहनत किया, इसमें भी मैं डायरेक्ट इंटर ट्रेडिंग से ऑप्शन में आ गया। जब मैं ऑप्शन में आया तो मुझे फर्स्ट बार मैं ट्रेड किया ना, तो मुझे 1900 का प्रॉफिट हुआ। तो मैं इतना खुश हुआ मेरा भाई, इतना खुश हुआ कि आपको बता नहीं सकता यार। मैं सोचा यार क्या है, ये तो डायरेक्ट फेयर है यार, लोग सब बोलते कि ये शेयर मार्केट जुआ है, ये है। तो मैं बहुत उस दिन बहुत हैप्पी रहा। तो मैं बोला बिमल जी को, बोला उस दिन मैं ज़्यादा कैपिटल लगाया भी था, ऑलमोस्ट 4,000 ऑलमोस्ट लगाया था शायद, बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। तो दूसरा दिन भी ट्रेड किया, 1,000 रुपये कमा लिया। तो मैं सोच रहा था, मैं कैलकुलेट करने लगा कि हर महीना हर रोज 22 दिन का मार्केट होता है, 1,000 रुपये भी कमाएंगे तो 22,000 का प्रॉफिट होगा, चलो बढ़िया है। जॉब में एक महीना काम करते हैं तो 12,000 आ रहा है, यहाँ तो 22,000 आ रहा है, फिर भी कैलकुलेट करने लगा। कुछ दिन प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अरे वो भी तुक्का में हम करते थे दोस्तों। मुझे कुछ नहीं टेक्निकल का कुछ नॉलेज था, ना फंडामेंटल का कुछ नॉलेज था,
क्या होता है कॉल पुट, ऐसे मार्केट जा रहा था, थोड़ा बहुत कॉल पुट के बारे में जानता था, तो ऊपर जा रहा था तो मैं कॉल ले लेता था, नीचे जा रहा था तो मैं पुट ले लेता था। लेकिन मुझे ना स्टॉप लॉस के बारे में जानकारी था, ना कुछ जानकारी, मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं था। अब मैं डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन, दो दिन, ऐसा पाँच दिन, चार दिन प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बहुत खुश हो गया मैं। एक दिन क्या हुआ कि मैं रेजिस्टेंस पे, मैं देख रहा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगा कि और भी ऊपर जाएगा, तो मैं कॉल बाय कर लिया। अब वहीं से रिवर्स हो गया, तो मेरा ना पूरा, मुझे स्टॉप लॉस के बारे में उस टाइम नॉलेज नहीं था, मेरा पूरा कैपिटल पता है जीरो हो गया, 80% लॉस हो गया। इसके बाद मार्केट को एग्जिट करके मुझे बाहर कर दिया, ऑलमोस्ट 4000 का लॉस हुआ था। मैं तो यार बहुत टेंशन में चला गया था कि यार क्या है ये, मतलब 4000 लॉस उस टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा था। फिर अगेन मैं दोबारा ट्रेड किया, फिर इसको रिकवर करने के चक्कर में तो और भी लॉस करवा दिया। मैं जिस दिन भी रिकवर करने के बारे में सोचा, रिकवर करने के बारे में सोचा तो मुझे लॉस हुआ। फिर अगेन, फिर किसी दिन ट्रेड करते थे, मैं फर्स्ट बार ट्रेड करता था मैं प्रॉफिट करता था, ये मेरा अक्सर है। लेकिन दोबारा मैं फिर कमाने के चक्कर में जाता था ना, तो दोस्तों मेरा लॉस होता था। मतलब प्रॉफिट आ जाता था, फिर लालच करता था, फिर मार्केट में जाता था मैं, दोबारा ट्रेड करता था, मेरा लॉस होता था। मतलब प्रॉफिट वाला पैसा मैं लॉस में कन्वर्ट करके लास्ट में मार्केट में आता, लास्ट में मार्केट से बाहर हो जाता था। सुबह में मैं प्रॉफिट करता था, शाम होते होते मैं लॉस में बाहर में मार्केट से निकल जाता था। मतलब प्रॉफिट भी हो जाता था, फिर लालच करते थे दो बार, चार बार, पाँच बार, ओवर ट्रेडिंग, लालच, पहले ग्रीड कर लेते। स्टार्टिंग में मेरा ये है कि मेरा जब भी मैं ट्रेड करता था फर्स्ट बार तो मेरा प्रॉफिट होता था, लेकिन मैं सोच रहा था थोड़ा और कमा लेते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा मैं फील होता था जैसे मैं 20-30 पॉइंट मुझे मिल जाता था, मैं एग्जिट हो जाता था। अब वही पॉइंट 100-150 पॉइंट ऊपर चला जाता, तो मुझे बाद में बहुत अफसोस होता, यार काश मैं रहता तो मेरा 20,000 का प्रॉफिट हो जाता, 30,000 का प्रॉफिट होता, हमें यहाँ पर 1,000 रुपया में निकला। तो उसी चक्कर में मैं फिर, मुझे लगा कि फिर होगा, तो मैं एंट्री लेता था, जो प्रॉफिट होता था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता था। मतलब प्रॉफिट डे में प्रॉफिट रहता मॉर्निंग में, शाम में लॉस करवाता था, क्या ओवर ट्रेडिंग के कारण। मतलब दिन में चार बार रैंडम अगर लॉस हो जाता था तो मैं ये सोचता था उसको आज ही रिकवर कर लूँ। ना मेरे पास कोई सेटअप था, ना मुझे टेक्निकल का नॉलेज था, ना मुझे स्टॉप लॉस का नॉलेज था, ना मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ नॉलेज था, बस मैं ऐसे ही लेता था। तो मेरा भाई मुझे कई बार लॉस होते गया, लगभग 10-15 बार मुझे लग रहा है मेरा बैंक अकाउंट जीरो हो गया। एक बार क्या हुआ, मेरे पापा जी ऐसे किसी लोन के, लोन में लिया था, लोन के लिए मुझे पैसा भेजा था कि बेटा वो घर पे भेज देना, मैं बोला ठीक है। लेकिन वो लोन वाला पैसा लेके मैं ट्रेड कर डाला, शाम होते स्टार्टिंग में सुबह में प्रॉफिट हुआ, शाम होते थे उसको मैं जीरो, पूरा जीरो कर दिया। मैं पापा को क्या बोलूँ, पापा बोल रहे थे पैसा भेजा, तो मैं कैसे करके बताया नहीं कि मैं लॉस करवा दिया, कैसे भी कर दोस्त से अरेंज कर करके मैं पैसा घर पे भेजा। तो ये मेरा मिस्टेक था। तब मैं बहुत ऐसा, मेरा लगातार लगभग 6-7 महीना ऐसे ही चला। तब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को प्रणाम कर रहा कि भाई मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं फिर इक्विटी में आ गया। इक्विटी में मैं ट्रेड करता था, मुझे लॉस ना के बराबर होता था। मैं समझ लो कि मैं शॉर्ट ट्रेड करता था तो 95 ट्रेड मेरा प्रॉफिट में रहता था, मेरा लॉस नहीं होता था, तो मैं इक्विटी में ट्रेड करता था। लेकिन वहाँ पे ये था कि कैपिटल मेरे पास उतना ज़्यादा था नहीं, तो प्रॉफिट भी हुआ 100-150, 200-300 ऐसा ही होता था। लेकिन बैंक निफ्टी में, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि 10,000-15,000 भी होता था, 20,000 भी होता था। लेकिन मेरा मन तो कर रहा था कि करो, लेकिन जब भी मैं करता था स्टार्टिंग में लॉस हो जाता था। तो मैं फिर स्टार्टिंग में बैंक फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, अच्छे से सीखा, बहुत ही अच्छे से। इक्विटी में मैं प्रॉफिट अच्छे से कर रहा था। इसके बाद मैं फिर सोचा यार नहीं, मुझे बनना था जल्दी अमीर, तो मैं फिर बोला नहीं करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना। फिर आया, फिर लॉस हुआ। तो मैं आपको बताया था कि मैं बेंगलोर भाग गया था, तो मेरा दोस्त भी हेल्प किया था, मुझे बहुत पैसा दिया था ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी मैं पूरा जीरो कर दिया था। तो अभी रिकवर के चक्कर में गलती क्या करता, मैं प्रॉफिट में रहता था लेकिन मैं लालच करने के चक्कर में, फिर दूसरा बार कमाने के चक्कर में जो प्रॉफिट था उसको भी लॉस करवाते थे, और उससे प्रॉफिट का जो 10,000 प्रॉफिट था तो उसको मैं शाम होते थे 10,000 माइनस में आ जाता था। दिन में रैंडम ट्रेड करता था 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार ऐसे करता था।
ब्रेकर क्या ब्रोकर चार्ज ही 1,000 रुपया 2,000 हो जाता था। ऐसे मैं गलती करता था। फिर मैं सोचा यार ये कर क्या रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखा, अच्छे से सीखा, बहुत मन लगा मुझे, क्योंकि मुझे सीखने का बचपन से ही जिज्ञासा है, मैं सीखता हूँ। तो टेक्निकल के बारे में अच्छे से सीखा, टेक्निकल एनालिसिस क्या हो, बेसिक से एडवांस तक बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल में कोर्स भी मैं बाई किया, तो इसमें सीखा। तब मुझे स्टॉप लॉस के बारे में पता चला कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में मुझे पता चला। फिर मुझे प्राइस एक्शन के बारे में पता चला। फिर मुझे कुछ इंडिकेटर के बारे में पता चला कि मैं स्टार्टिंग में इंडिकेटर बेस पे भी ट्रेड करता था, RSI हो गया, MACD हो गया, पिवट पॉइंट हो गया। तो इस सब के बारे में धीरे धीरे मुझे नॉलेज बढ़ता चला गया। तो स्टार्टिंग में इंडिकेटर बेस पर मैं ट्रेड करता था, लेकिन मुझे फिर भी लॉस होता था। तब मैं धीरे धीरे मैं 2-3 चैनल को ऐसे फॉलो किया। बैंक निफ्टी का वो लेवल देता था रेगुलर, तो मैं रेगुलर वीडियो देखता था कैसे लेवल, मैं ये देखता कि लेवल देते कैसे हमेशा, तो मैं इस पे फोकस करता था कि ये लेवल क्यों देते। ऑलमोस्ट 2 महीना 3 महीना 4 महीना मैं देखते रहा, तो मैं धीरे धीरे खुद से सीख गया कि बैंक निफ्टी का लेवल कैसे देते हैं। इसके बाद मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखा, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के बारे में सीखा, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखा, स्टॉप लॉस के बारे में सीखा। तब मैं धीरे धीरे लॉस से ब्रेक इवन पर आया। 1 साल मेरा तो लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हुआ। तब धीरे धीरे मुझे फिर ब्रेक इवन पर आया, इसके बाद धीरे धीरे मुझे प्रॉफिट करना स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में लोग यही गलती करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हैं। नॉलेज अगर मैं गलती ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है ठीक है कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में आपको देखिए टेक्निकल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल का आपको अच्छे नॉलेज होना चाहिए। प्राइस एक्शन में मास्टर बनो आप, रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कैसे करें इसमें मास्टर बनना पड़ेगा, ट्रेम लाइन में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, कैंडलिस्ट में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, जैसे हैमर हो गया, डोजी हो गया, बेरिश इंगल्फिंग हो गया, बुलिश इंगल्फिंग हो गया, और बहुत सारे कैंडल हो गया, कैंडलिस्ट में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न में आपको मास्टर बनना पड़ेगा टेक्निकल के लिए। इसके बाद आपको साइकोलॉजी इम्प्रूव करना पड़ेगा। मुझे इस स्टार्टिंग इसके बाद मुझे हुआ क्या दोस्तों, मुझे टेक्निकल का अच्छा नॉलेज था, फिर भी मुझे लॉस होता था। रीज़न क्या था कि मैं प्रॉफिट में तुरंत एग्जिट हो जाता था और लॉस में मैं बैठे रहता था। ये मेरा कई बार ऐसा हुआ कि मैं प्रॉफिट लॉस में बैठा रहता था कि आप मार्केट ऊपर जाएगा, आप मार्केट ऊपर जाएगा, आप मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाता था, नीचे चला जाता था। मैं लॉस कई बार बैंक आउट जीरो हो जाता था। लॉस में प्रॉफिट में जैसे 1,000, 1,500, 2,000 प्रॉफिट होता था, मुझे ये डर लगता था कि यार ये भी जो प्रॉफिट दिख रहा है वो भी लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। इसकी वजह से मैं तुरंत एग्जिट हो जाता था। बाद में वही जहाँ 1,000 रुपये में मैं एग्जिट होता था, वहीं जाके अंत में 10,000, 15,000, 20,000 बहुत सारे 100-150 पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाता था। अब बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता कि मैं काश जाता तो मुझे इतना प्रॉफिट होता, मैं कैलकुलेट करता था। तब मैं खुद से बोला नहीं, मैं तब मैं एक बुक पढ़ा, ट्रेडिंग इन द जोन। मैं बुक पढ़ा, मैं बुक पढ़ने का मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं सुना कुकू FM पे। देखो मैं इस एप्लीकेशन का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एप्लीकेशन मेरा लाइफ बदल दिया यार, सच में बोल रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा उससे। तब मेरा दिमाग खुल गया अच्छे से, मैं सुना 2 बार 4 बार मैं इस बुक को 2 बार 4 बार 5 बार मैं सुना, तो मेरा लाइफ बदल गया। तब मैं खुद से एक सेटअप बनाया अपना सेटअप बैंक निफ्टी में। तो डिसाइड किया कि मैं ट्रेड करूँ, कभी मैं स्टॉक में ट्रेड करता था, कभी मैं निफ्टी में ट्रेड करता था, कभी मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था। तो मैं सोचा कि यार अगर 10 जगह मुदूंगा तो मैं कभी सफल नहीं बनूंगा। तो मैं सोचा किसी एक चीज़ में मैं फोकस करूंगा और मास्टर बनना है। तो मैं बैंक निफ्टी को चूज किया। मैं बैंक निफ्टी का चूज इसलिए किया कि इसमें 5 ही बैंक को देखना, क्यों बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी बढ़ता नीचता है, ऊपर जाता नीचे, तो कुछ बैंक है वही बैंक को आप फॉलो करेंगे तो वो अच्छा काम करता है। तो मैं 5 बैंक देखना पड़ता था बैंक निफ्टी में, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, SBI हो गया, कोटक बैंक हो गया। तो ये 5 बैंक को मैं हमेशा एनालिसिस करता था और चप ट्रेड लेता था। तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को आप जरूर फॉलो करना चाहिए अगर बैंक निफ्टी में मास्टर बना। निफ्टी में तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक को देखना पड़ता था, तो मैं इसलिए बैंक निफ्टी को फॉलो किया और उसी के बारे में इसी का चार्ट में ऑलमोस्ट समझ लीजिए 2002 से अभी तक का मैं पूरा देखा।
रिसर्च किया कैसे मार्केट ऊपर जा रहा है कैसे नीचे जा रहा है। मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन में मास्टर बना, प्राइस एक्शन में मास्टर बना। मैं प्राइस एक्शन ओनली मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। कुछ इंडिकेटर को मैं यूज करता हूँ, जैसे पिवट पॉइंट हो गया, EMA हो गया, और भी कुछ है जैसे RSI में कम यूज करता हूँ, इंडिकेटर को मैं कभी कभी यूज करता हूँ, ये है। तब मैं धीरे धीरे मैं प्रॉफिट, मैं खुद का सेटअप बनाया, सेटअप में ये मैं फाइंड किया कि मुझे कहाँ बाई करना है, कहाँ मुझे सेल करना है, क्यों बाई करना है, क्यों सेल करना है, मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, मेरा टारगेट कितना होगा, मेरा मनी मैनेजमेंट क्या है। जैसे मेरे पास 1 लाख रुपया था तो मैं ओनली फॉर 10,000 से ट्रेड करता था। रिस्क मैनेजमेंट मतलब मेरे पास मान लीजिए मैं ट्रेड लेता था, मैं रिस्क पता रहता था कि मुझे आज 1,000 रुपया लॉस करना है, 2,000 रुपया कमाना है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जैसे मैं 1:2, 3, 4, 5 भी मैं रखता था कि मुझे 500 रुपये लॉस करना है तो 1,000 रुपये में कमाना है। तो मैं एक खुद का एक सेटअप बनाया और उसको मैं फॉलो किया, तब मुझे लास्ट में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। मैं क्या करता था, मैं आप क्या करता हूँ कि मैं लॉस में तुरंत एग्जिट हो जाता हूँ, मैं प्रॉफिट में बैठे रहता हूँ। हाँ, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करता, जैसे मेरा प्रॉफिट लग रहा है कि अच्छा खासा दिख रहा है तो मैं वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूँ कि अगर मार्केट रिवर्स भी होगा तो फिर भी मैं कुछ पैसा मार्केट से लेके घर जा सकता हूँ। तो ऐसे करते 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 आज मैं अच्छे ट्रेडर हूँ। तो आप भी कर सकते, बहुत सिंपल है यार, मेरे जैसे बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते। मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, बिहार से, मधुबनी जिला से, आप गांव के नाम तो नहीं बता सकता। तो मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, बस सीखने पर फोकस करो। सीख जाओगे, 2-3 साल कमाने के बाद व्यू से मत आओ, सीखने के व्यू से आओ। स्टार्टिंग में सीखने पर फोकस करो, आप सीख जाएंगे ना तो पैसा भर भर के आएगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग स्टार्टिंग में पैसे कमाने के व्यू से आते हैं, इसके लिए वो 6 महीना भी टिक नहीं पाते हैं और लॉस करके बर्बाद होकर चले जाते हैं। आप मार्केट में आप 1 साल टिक गए ना, और रियल में टिक गए और सीखने पर फोकस किए तो आप अच्छा पैसा कमाने वाला हो, रियल में ट्रेडर बन जाओगे। तो दोस्तों, ये मैं था ट्रेडिंग मिस्टेक और मेरा ये ट्रेडिंग जर्नी था कि मैं क्या क्या गलती किया। मैं खुद का सेटअप बनाया हूँ, उस सेटअप को मैं फॉलो करता हूँ। मैं बस एक ही सेटअप बनाया उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब क्या, मैं ब्रूस ली का एक डायलॉग को मैं फॉलो करता हूँ। ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उस बंदा से कभी नहीं डरता जो 10,000 किक के बारे में जानता है, मतलब 10,000 किक जानता है। मैं उस बंदा से डरता हूँ कि जो एक किक को 10,000 बार किया है। तो उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी होता है कि आप 1,000 स्टडी जानते हो, उस बंदा से मैं कभी नहीं डरता हूँ। लेकिन मैं उस बंदा से जरूर बंदा से सीखता हूँ जो एक स्ट्रेटजी को 1,000 बार किया है, फॉलो किया है, उस पर ट्रेड लिया है। तो एक ही स्ट्रेटजी बनाओ, उसमें मास्टर बन जाओ, पैसा अपने पीछे आपके पीछे आएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिला होगा। ऐसे में छोटा छोटा लाता रहूँगा जिससे आप लोगों को लर्निंग मिलेगा, और आप जो मैं गलती किया हूँ गलती आप ना करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करो, आप भाई का चैनल लिया जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं चाहता हूँ कि मई तक कम से कम मेरा 20,000 फैमिली बन जाए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं विश्वास है कि आप लोग कर दोगे कि मुझे मेरा 11 मई को मेरा शादी है। तो मुझे पता है कि आप लोग अच्छे गिफ्ट दोगे, मेरा गिफ्ट वही कि मेरा 20,000 फैमिली बन जाए। तो मैं विश्वास आप लोग पे, आपका लोग कर देंगे। मैं ऐसे रेगुलर कुछ ना कुछ नया वीडियो लाता रहूँगा, आप लोगों को सिखाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर दोस्तों।